पंछी और यश अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं? हैं? अरे मेरा बस चले तो यश की शादी करवा दूं ताकि दिन रात घर में ही मंडराता रहे। आइडिया बुरा नहीं है माँ, लेकिन पहले इन लोगों को आने तो दीजिए, फिर सोचेंगे। दादी माँ नमस्कार। जी चलो। पंछी आ गया। पंछी यश कहाँ है? यश भैया तो, अरे बोलना यश कहाँ है? अरे दादी माँ यश भैया ने ये चिट्ठी भिजवाई है। चिट्ठी? हाँ। चिट्ठी खाओ, पढ़ो, पकड़ो। दादा दादी पिताजी और बड़े भैया, ये लो, बुआ को तो भूल ही गया यश। अरे पढ़ना। एनीवे मैं कुछ अपने पर्सनल काम से जैसलमेर में फंस गया हूँ, कुछ दिन और लग जाएंगे, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आते ही सब बता दूंगा। यश। अरे वाह, ऐसा कैसा काम आ गया उसे है? हाँ वैसे भी घर खाली खाली लगता है भाई, और यश के न होने पर तो जैसे घर खाने को दौड़ता है। दादी माँ ये घर के सब लोग कहाँ गए? और कहाँ गए? अरे दिव्यराज भैया तो उसकी वो जो अमेरिकन फ्रेंड थी ना, उसके साथ अमेरिका चले गए, साथ में बड़े भैया भी चले गए, और इन सब को सी ऑफ करने के लिए निशा भी दिल्ली चली गई। वो तो ठीक है, दादी माँ दादी जी किधर हैं? अरे तेरे दद्दू तो रणथंबोर गए हैं, वो हेल्थ रिसोर्ट के सिलसिले में। अच्छा अच्छा। हाँ। इसका मतलब घर में चाची तो है ना? हाँ। अरे पंछी मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो इस घर से तब भी जाऊंगी जब मेरा अंतिम समय होगा। चाची जी क्या हुआ? पानी ले आ जाओ। भाभी बेटे बोलो, महिमा बोलो बहू। भाभी इतने भाभी को सर पर कहीं चोट आई है? भाभी घर में कोई है भी नहीं। अरे पंछी डॉक्टर को बुला। भाभी आइए। कौन? भाभी देखिए अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकती, दिमागी चोट लगने की वजह से ही अब तक बेहोश है, लेकिन जब तक ये होश में नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर दो घंटे में इन्हें होश नहीं आता तो फिर हमें इन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा, इनका स्कैन होगा, एक्सरेज होंगे, क्योंकि हम कोई चांस नहीं ले सकते ना। लेकिन डॉक्टर। नहीं नहीं ऐसे भी घबराने की कोई बात नहीं है, अक्सर आदमी के गिर जाने के बाद दिमाग पर चोट लगती है और इस तरह की बेहोशी आ जाती है, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कोई चिंता की बात नहीं ना? नहीं देखिए मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, आप ही की तरह इंसान हूँ, आप ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ हर 15 मिनट के बाद आप लोग मुझे फोन करते रहिएगा। गायत्री कहीं महिमा बहू माँ तो नहीं बनने वाली क्या? हाँ भाभी और माँ। हाँ ये कैसे हो सकता है, उनकी शादी को तो इतने साल हो गए, जब अब तक कुछ नहीं हुआ तो अभी अचानक कैसे? क्यों कई चीजें अचानक हो जाती है, अरे कितनी स्त्रियों को ढलती उम्र में बच्चे पैदा होते हैं ना। माँ उसे तो चमत्कार ही कह सकते हैं। तो ये चमत्कार हमारी महिमा बहू के साथ भी तो हो सकता है। हाँ और वैसे विज्ञान ने कितनी तरक्कियां की है, कितनी असंभव बातों को संभव कर दिखाया है। अरे लेकिन उस विज्ञान का कोई लाभ भी तो उठाना चाहिए कि नहीं? मुझे याद नहीं आता कि भाभी ने भी कभी किसी खास स्पेशलिस्ट के पास जाकर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट लिया हो। और लेगी भी कैसे, भाभी में जो कमी है उसी दुख की वजह से तो भैया इतना पीने लगे हैं। भैया की बर्बादी का कारण सिर्फ महिमा भाभी है और कोई नहीं। ऐसा मत कह, और मैं तो कहूँ कि मेरी महिमा बहू सबसे अच्छी बहू है, कितनी सुशील सद्गुणी और धार्मिक, मैं कहूँ कि भगवान जरूर उसकी सुनेगा और वो जरूर माँ बनेगी, और देखना एक दिन मेरा विक्रमजीत भी एक नेक इंसान बन जाएगा, नेक इंसान जरूर। पैसा ही राणा की जिंदगी है और पैसा नहीं देने वाला राणा का दुश्मन। तू ही लाया था ना उस राजकुमार को यहाँ, नाम का तो राजकुमार है एक नंबर का रागू, पैसे के लिए राणा कुछ भी कर सकता है। हेलो विक्रमजीत, राणा बोल रहा हूं। वक्त की इज्जत करना सीखो विक्रमजीत,
राणा कभी किसी का इंतजार नहीं करता। कहां पहुंचे? आपकी छत्रछाया में राणा साहब। गुड मॉर्निंग राणा साहब। पैसे लायो तो मॉर्निंग इज गुड, वरना बैड। क्या राणा साहब, पैसे लाए हो? राणा साहब, हम तो आपको करोड़ों में खेलते देखना चाहते हैं और आप 50 लाख के पीछे पड़े हुए हैं। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। कोई नया राग तो नहीं दे रहा फिर से? क्या राणा साहब, आपको राग थोड़ा ही दूंगा, आप बात समझ नहीं रहे हैं। ठीक से समझाओ तो समझो ना। वो अपनी भतीजी है ना मुक्ता, जिसकी सगाई हुई थी हमने तोड़वा दी थी। हाँ? आजकल वो हमारे रेस कोर्स में बड़े लंबे रेस की घोड़ी है, करोड़ों रुपया अपने साथ लेकर टहल रही है। अगर आप अपने बेटे रघुवीर के नाम का चारा उसके सामने डाल दें और रिश्ता पक्का कर लें, तो समझ लीजिए हमारे हाथ में जैकपॉट के जैकपॉट के जैकपॉट का बाप लग जाएगा। और फिर रिश्ते में लेन देन तो लगा ही रहता है ना राणा साहब। बात तो समझ में आ रही है, लेकिन अगर मुक्ता का रिश्ता मेरे बेटे के साथ तय होगा तब ना? होगा ना, जरूर होगा। हम बैठे हैं ना उस घोड़ी के मैनेजर कम ट्रेनर। अब समझ में आया ये जुए का सारा खेल? जुआरी को अगर जुए का खेल समझ में ही नहीं आया तो वो जुआरी ही कैसा। बस एक बार ये जैकपॉट अपने हाथ लग जाए तो मजा आए। आएगा, जरूर आएगा। मॉर्निंग राणा साहब। अंकल अंकल जल्दी से घर चलिए, महिमा आंटी बहुत सीरियस है, सीढ़ियों से गिर गई हैं। क्या? सीढ़ियों से गिर गई हैं, बहुत सीरियस है अंकल, प्लीज जल्दी चलिए। सुबह तक तो ठीक थी। जल्दी करिए अंकल। राणा साहब चलते हैं, फिर मिलेंगे। बाय। लो रागू का एक नया राग। क्या हुआ, अच्छी खासी तो सो रही है, खाम खाम मुझे मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग के बीच में से बुला लिया। अरे ये सोई नहीं है, बेहोश पड़ी है, और इसका होश में आना बहुत जरूरी है। अरे माँ, 2-4 बाल्टियां ठंडे पानी के मुंह पे डालिए, अभी होश आ जाएगा, सब आराम करने के बहाने। अरे ये गिर गई थी और दिमागी चोट लगी है जो खतरनाक साबित हो सकती है, डॉक्टर नहीं फिर से देखने उसे आ रही है। लो बीच में डॉक्टर भी आ गई। सुन रही बहना, विस्की मैं पीता हूं, नशा इसे चढ़ जाता है। अच्छा खैर जो भी है, मैं जा रहा हूं, जब ये होश में आ जाए तो मुझे बुला लीजिएगा, और खाम खाम मुझे बीच में डिस्टर्ब न किया जाए। मुझे तो पहले ही डाउट था, लेकिन फिर भी मैंने ब्लड रिपोर्ट का सहारा लेना जरूरी समझा। डाउट? कैसा डाउट? क्या हुआ है मेरी महिमा को डॉक्टर? बताओ। बताइए ना डॉक्टर, बताइए बताइए ना प्लीज। महिमा माँ बनने वाली है। क्या? चाची माँ बनने वाली है। अरे पंची पंची, जा जल्दी जा, मिठाई ले, क्या और सबको खिला, जा बेटे। अरे अरे देखा गायत्री, मैं कहती थी घर में चमत्कार होगा, देखा चमत्कार हुआ। अरे मेरी महिमा माँ बनने वाली है। अरे अरे रंजीत जा तू जल्दी, और बिटनजीत को पहले सबसे जा, वो बहुत खुश होगा। अरे भाई तुम लोग जल्दी अपने दद्दू को और जयराज को ये समाचार दो कि भाई मेरी महिमा माँ बनने वाली है, घर में पोता आने वाला है। दादी अभी जाके दादाजी को फोन करता हूं, सबको फोन करता हूं। हां मां, मैं भैया को भी खुशखबरी देकर आ रही हूं। जा जा।
डॉक्टर आप ये रख लीजिए। अरे आपने जो खबर सुनाई है वो सुनने को तो मेरे कान कई सालों से तरस रहे थे। मेरी महिमा मां बनने वाली है, भगवान ने मेरी सुनी। आप रख लीजिए ना। अरे नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत थी। आप रख लीजिए, कृपा करके रख लीजिए। मेरी महिमा मां बनने वाली है, मेरी महिमा मां बनने वाली है। थैंक यू। राणा साहब हमारी बात पर गौर फरमाइए जरा। जो हमारी बात हुई थी ना, अगर हम दोनों उस प्लान में कामयाब हो गए तो नोट गिनने से फुर्सत नहीं मिलेगी राणा साहब। लाखों की छोड़िए, करोड़ों में खेलेंगे आप और हम। जी हाँ जी हाँ। वैसे आज के लिए भाई माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ है। एवरीथिंग इज ऑल राइट। या या ओके सी यू बाय। भैया बधाई हो। किस बात की बधाई? बताओ बताओ। सच्ची बताओ। गेस करो। भाई हमारे लिए तो जिस दिन हमारा घोड़ा डर्बी में जीतेगा, हमारा जैकपॉट लगेगा, वो दिन हमारे लिए बधाई का दिन होगा। तो सोचो कि आपको जैकपॉट लग गया। अरे भाई हमने तो ऐसी कोई रेस खेली नहीं कि हमारा जैकपॉट लगे। बताओ बताऊं? सच सच। भैया आप बाप बनने वाले हैं। हाँ अभी अभी डॉक्टर ने बताया है कि महिमा भाभी माँ बनने वाली है। What? Don't be foolish. मैं सच बता रही हूँ भैया। किसके साथ अपनी रातें गुजारी हैं महिमा देवी? जरा हमें भी तो बताइए ताकि हम उसका शुक्रिया तो अदा कर सकें। क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? वाह महिमा देवी वाह। सौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे आपको तो किसी नाटक में काम करना चाहिए था। कहां मुंह काला किया है आपने अपना? नाटक तो आपने बना रखा है मेरी जिंदगी का। आज आपने मुझे ये दर्जा भी दे दिया। जी 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 मुझे तो घृणा आ रही है अपने आप पर। घृणा आ रही है मुझे। घृणा तो मैं भी आपसे करता है वो आज तक और करता रहूंगा। क्या हुआ? क्यों रो रही हो बेटे? मुझसे कुछ मत पूछिए। जो भी पूछना है आप उनसे पूछिए। क्या
विक्रम जी क्या बात है बेटे? अरे इतनी शुभ घड़ी पर तूने बहू को रुला दिया। अरे मेरे बच्चे, अब तेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। अरे इतने सालों के बाद तू बाप बनने वाला है और इतनी अच्छी खुशी के मौके पर। खुशी नहीं माँ, मातम कहो मातम, मेरे दिलो दिमाग पर मातम छाया हुआ है। पर क्यों, किस लिए? ये बच्चा मेरा नहीं है माँ। हे भगवान, क्या मैं इस बच्चे का बाप नहीं हो सकता? भगवान मुझे मौत दे दे, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं सुन सकती, मुझे मौत दे दे भगवान। कलयुग है, जो भी कुछ कहना है साफ साफ कह। क्या कहना चाहता है तू? मैं सुन नहीं चाहती हो तो सुनो। बॉम्बे के सबसे बड़े डॉक्टर कोठारी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मैं इस जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता। क्या इसका मतलब है महिमा भाभी का किसी और के साथ संबंध है? गायत्री, खबरदार, अगर तूने अपनी गंदी जुबान से कोई गंदी बात निकाली तो विक्रम के साथ तेरा दिमाग भी सड़ गया है। पर ये मत भूल कि महिमा इस घर की बहू है और मुझे अपनी बहू पर पूरा विश्वास है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये बच्चा सिर्फ विक्रमजीत का है, सिर्फ विक्रमजीत का। बाजी, आपने तो कह दिया, पर इस पति का क्या जो मुझ पर झूठे गंदे लांछन लगा रहा है? अब इस घर में मैं एक पल भी नहीं ठहर सकती, नहीं ठहर सकती। हाँ ठहरोगी भी कैसे, ये खुशखबरी अपने यार को तो सुनानी पड़ेगी ना। विक्रम जी बेश चलो। अरे जाओ और यहाँ से चली जाओ चुपचाप, वरना धक्के मार के यहाँ से निकाल दूँ बच्चा। बस कीजिए, बस कीजिए। इस मंगलसूत्र की कसम, अपने अल्फाज अपने शब्द वापस लीजिए, वरना आप बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे आप। अच्छा, जिस मंगलसूत्र का अपमान किया है उसी की मुझे कसम दे रही हो? अब इस मंगलसूत्र का इस गले में कोई काम नहीं है, निकाल कर फेंक दो। तू क्या कर, छोड़ दीजिए। मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, कहती हूँ मैं, छोड़ दीजिए। मुझ पर विश्वास कीजिए, अपनी महिमा पर विश्वास कीजिए। मैंने भगवान की कितनी मेहनतें, कितने उपवास, कितनी प्रार्थना की, उसने मुझे सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। उसने मुझ पर कृपा की, उसने चमत्कार किया। ये मेरी श्रद्धा का फल है, विश्वास कीजिए, मेरी श्रद्धा का फल है। मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, ये बच्चा एक वरदान है, इसे मैं टुकरा ही है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, टुकरा, इसे मैं टुकरा ही है, मैं टुकरा ही। माँ जी सुनिए, मत
मत रो मेरी बच्ची, मत रो। अरे तू तू हारी नहीं है बेटे, तू हारी नहीं है। अरे ऐसी स्थिति में रोते नहीं बेटे, तू अगर हार गई तो दुनिया की सारी नारी जाति पर कलंक होगा। तू हारी नहीं है बहू, तू हारी नहीं है। हाँ मत रो।